हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 पढ़ाने जा रही हूँ स्टूडेंट। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 इन सब की भी एक्सरसाइज डाली हुई है स्टूडेंट, तो आप उन पर जाकर देखें और उन्हें समझें और सॉल्व करें। और मैं लिंक भी डाल दूँगी इसमें उनका, और मेरे साथ लिखते रहिए और करते रहिए। इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में, बहुत ज़्यादा ये पेपर में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है स्टूडेंट। अगर आज आपने चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। 8th क्लास में तो होगा ही सही, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो देख लीजिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। ये कहना है कि साइकिल की स्पीड और स्कूटर की स्पीड को आप कंपेयर करके इसका रेशियो बताना है। आपको क्या बताना है? रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है? स्पीड ऑफ साइकिल। देखो स्पीड ऑफ साइकिल, तो मैं यहाँ पर एक का सॉल्यूशन लिख देती हूँ। स्पीड ऑफ साइकिल है ना, स्पीड ऑफ अ साइकिल, किसका रेशियो? साइकिल का रेशियो है स्पीड ऑफ स्कूटर, तो मैं यहाँ पर स्पीड ऑफ स्कूटर लिख देती हूँ, स्कूटर। ठीक है स्टूडेंट, इसकी 15 किलोमीटर है और इसका 30 किलोमीटर क्या है? पर आर है ना, एच एच लिख देती हूँ। तो ये किलोमीटर आज किलोमीटर आज सेम है 15, तो इसको कट कर सकते हैं किसकी? 15 की टेबल से 1 टाइम और 15 की टेबल से 2 टाइम। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 1:2 आंसर। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर करते हैं इसी का बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है? 5 मीटर है आपका, 5 मीटर को 10 किलोमीटर पे आप रेशियो बताइए, 10 किलोमीटर पर। अब इसमें समझने वाली चीज़ है स्टूडेंट, इसमें समझना क्या है स्टूडेंट, इसमें समझना ये है कि आपको जो ये 10 किलोमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले। तो आपको यहाँ एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, और इसी के हिसाब से आपको करना है। तो 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? इसको 1000 से कर दिया तो क्या हो गया हमारा? 10,000 मीटर बन जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू। तो m 5 मीटर, 2 का मतलब आप रेशियो का साइन लगा लें, 10 किलोमीटर कितने में मीटर बन गया अपना? 10,000 बन गया ना स्टूडेंट। अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको कट करिए 5 के टेबल से 1 टाइम, 5 के टेबल से 2 टाइम, और ये 3 0 आप ऐसे कैसे उतार लीजिए। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1:2000 आंसर मीटर का। अब मैं करती क्वेश्चन नंबर 3, सी वाला पार्ट यही कर लेती स्टूडेंट। देखिए 50 पैसे, 50 पैसे को आपको करना है कन्वर्ट करना है रुपीज़ 5 में। तो आप क्या जानते हैं? 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, ये जानते हैं आप। तो 5 रुपीज़ 5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 500 पैसे। अब पैसे के साथ पैसा लिख लीजिए, 500 पैसे को पी लिख दूँ रेशियो 2 की जगह रेशियो, और यहाँ मैं लिख देती हूँ 500 पैसा। पैसे से पैसे कैंसिल हो जाता है ये ऐसे। अब यहाँ आपसे 1 0 से 1 0, 5 की टेबल से 1 टाइम, 5 की टेबल से 10 टाइम, तो आपका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? 1:10 आंसर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं स्टूडेंट। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुँच चुके हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंट। ये रेशियो है जिसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। परसेंटेज का मतलब 100 है ना। तो रेशियो को आपको पता है, रेशियो को जब सॉल्यूशन करते हैं तो रेशियो को हम अपॉन में लिख सकते हैं 3:4। जो पहले लिखा है उसे ऊपर लिखें, जो बाद में लिखा है उसे नीचे लिखें। और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो अपन को क्या करना है? 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 की टेबल से मैं इसे कट करती हूँ 25 टाइम, और 25 की टेबल बोलती हूँ 3 टाइम, तो क्या होगा मेरा? 75%। आपका आंसर, ए का आंसर आपका निकल चुका है। बी का आंसर भी हम यही निकाल देते हैं स्टूडेंट। बी का आंसर आपका क्या कहता है? 2:3 है, इसे 2/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो क्या होगा? देखो ये डायरेक्ट नहीं कटेगा, आप 200 को यहाँ लिख लीजिए ऊपर का ऊपर से, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। अब 200 में हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो देखिए 3 6 18 बचा क्या आपका? 2, माइनस लगा दीजिए, तो आप इसे क्या लिखेंगे? 66 कंप्लीट, 3 नीचे ही रहेगा इस स्थिति में, रिमाइंडर ऊपर चल जाएगा परसेंट। 66 कंप्लीट 2/3 हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स।
25 का 72% है स्टूडेंट का, वो तो उन्हें तो मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी लगती है, बट कुछ लोग हैं जिन्हें मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो कितने हैं ये बताना है आपको। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं स्टूडेंट, मैं दोनों ही तरीके आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप इजीली निकाल लें जो लिखा है जैसा का जैसा ही, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो। तो इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक, मैं डायरेक्ट लिखा देती हूँ, इंटरेस्टेड इन मैथ्स लिख देती हूँ मैथमेटिक्स की जगह, कितना है 72% है ना, परसेंट ऑफ 25। तो सबसे पहले इंटरेस्टेड ही निकाल लेती हूँ, 72% है तो 72/100 हो जाएगा, बिल्कुल आपको आता है, मल्टीप्लाई 25। आप कट कर लें 4 टाइम और 4 से कट कर लें इसको, 4 1 जा 4 बचा 3, 4 8 जा 18 4 जा 72 होते ना, तो 18 स्टूडेंट तो आपके हो गए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। और नॉट इंटरेस्टेड कितने होंगे, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स है ना, मैथ्स लिख देती हूँ, तो कितना हो गया 25 टोटल स्टूडेंट हमारे, उनमें से माइनस कर लीजिए 18, तो क्या आ गया 7। 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉट इंटरेस्टेड है ना, तो हम लिखेंगे 7 स्टूडेंट, आंसर 7 स्टूडेंट। एक और मेथड बता देती हूँ स्टूडेंट यहाँ पर, जो वो है जैसे टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं 100, क्या कह सकते हैं हम टोटल स्टूडेंट हमारे कितने परसेंटेज में है ना, स्टूडेंट्स परसेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट शॉर्ट में कर देती हूँ, 100 माइनस 72 परसेंट तो निकालेंगे तो 28% है ना, परसेंट से ही चल रहा है, 100% है ना, 100% स्टूडेंट है तो उसका तो 28% निकाल लो आप है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, जो नॉट इंटरेस्टेड, ये कौन आ गया नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट इन मैथ्स है ना, तो परसेंट हमारा आ गया, तो 25% ऑफ 25 आप ऐसा कर सकते हैं, 25/100 मल्टीप्लाई 25, इससे कट कर दिया 4 टाइम और 4 से कर दिया 7 टाइम, तो 7 स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको जो इजी लगे वो करें। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं हम आगे। स्टूडेंट देखिए, एक फुटबॉल टीम में जो वोन किया उसने 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमें पता नहीं है। इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40 देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, बताइए कुल मिलाकर उन्होंने कितने मैच खेले। तो हमें ये नहीं पता कि कितने मैच खेले, तो लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए स्टूडेंट इक्वल टू एक्स, हमने माना एक्स, तो 40% है विन मैच, तो 40% ऑफ एक्स का ही तो निकलेगा, बताया है 10 मैचेस जो उन्होंने विन किए हैं, तो अपन क्या करेंगे 40% का मतलब 100 ऑफ एक्स ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 10, अपन क्या करेंगे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे इक्वल टू ये, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में क्या होगा 40x, यही होगा ना, तो x को हम बाहर निकाल लेते हैं स्टूडेंट, और अपन क्या करते हैं कट कर लेते हैं 0 से 0, 4 से कट गया 25 टाइम, तो x बराबर 25 आ गया हमारा आंसर। 25 क्या है ना टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय ये टीम आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं आगे क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन बिगनिंग, उसके पास शुरुआत में कितना पैसा था ये निकालना है। तो जो नहीं पता उसे हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं, तो लेट द टोटल मनी शी हैव इन द बिगनिंग, बिगनिंग का निकालेंगे तभी तो है ना, तो उसे एक्स मान लें, तो वो एक्स रुपीस उसका था, अब उसके पास बचे हुए हैं ना, परसेंटेज कितना है, स्पेंड मनी कितना किया उसने, स्पेंड कितना किया, स्पेंड किया उसने 75%। ठीक है, तो ये बताइए उसके पास बचा कितना, तो अपन लिखेंगे शी इज लेफ्ट, अब उसके पास बचा है विद, कितना बचा है विद, 100 में से माइनस कर लो आप 75 को, दोनों ही परसेंटेज हैं, तो बचा कितना 25% है ना, तो अभी जो 25% है ना
बच्चे हुई मनिका ही तो है, लेफ्ट मनिका, तो 25% ऑफ एक्स इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, 600 रुपीज़। अब 25% का मतलब अपॉन 100 एक्स कर दो इक्वल टू 600 कर दो मैं, तो आप क्या कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं मैम, बिल्कुल कराइए, 100 मल्टीप्लाई 600 और 25 एक्स यहाँ लिखना है, तो एक्स को हम क्या करते हैं हर बार बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ इससे कट कर दिया मैंने 4 टाइम, और जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी 600 को, तो मेरा आंसर क्या जाएगा, 2400 रुपीज़। शुरुआत में उसके पास 2400 रुपये थे, यानी कि 2400 रुपीज़ थे, 2400 रुपीज़ शी हैज़ इन द बिगनिंग, दिस इज़ अवर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट, अभी समझ में आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट, इससे मुझे वो प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छा करूँ, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्लास में तो पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, बहुत मेहनत कीजिए इन सवालों पे, जितना हो सके लिख लिख कर मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट, और वीडियो को पूरा देखा कर स्टूडेंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि इससे ही से आपका आगे आने वाला फ्यूचर बनेगा। इसी तरह के सवाल 8 तक के जिसने मैथ्स अच्छे से कर ली उसका 50% मान के चलो आप, उनका कंप्लीट हो चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, यदि कोई शहर है उसमें 60% लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30 लाइक करते हैं फुटबॉल को, एंड रिमेनिंग अदर्स गेम, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर्स गेम, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स आर 50 लाइक, फाइंड एग्जैक्ट नंबर हु लाइक्स ईच टाइप ऑफ गेम्स। तो स्टूडेंट जो जो पहले दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, जो नहीं दिया हुआ उसे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं, चूँकि यहाँ दिया हुआ है हमें पीपल हु लाइक्स क्रिकेट, है ना, हु लाइक्स क्रिकेट, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो कितना परसेंट है, 60%, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। ऐसे ही पीपल हु लाइक क्या, फुटबॉल, जो फुटबॉल को पसंद करते हैं वो कितने परसेंट है स्टूडेंट, 30%, और उन्होंने कहा है कि अदर पीपल अदर गेम्स को भी पसंद करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे पीपल हु लाइक अदर गेम, है ना, अदर गेम्स, क्योंकि लोग इन लेग्स में हैं तो ऐसे ही करना होगा, तो टोटल हम पीपल मान के चलते हैं, क्योंकि परसेंटेज की बात है, परसेंटेज 100 पे निकलता है, तो 100 लिखेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 60 प्लस 30% को, है ना, यही तो माइनस करेंगे हम, ठीक है, आप ब्रैकेट बना के और परसेंट का साइन लगा दीजिए, तो टोटल कितना हुआ, 100 माइनस 10% तो कितना हुआ, सॉरी 90% तो कितना हुआ, 10% पीपल है जो अदर गेम्स को पसंद करते हैं, तो इस 10% को मैं बॉक्स में लिख लेती हूँ स्टूडेंट, ताकि मुझे याद रहे। अब मुझसे कहा गया कि फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक्स ईच टाइप ऑफ गेम्स, तो मुझे सबसे पहले मैं क्रिकेट निकाल लेती हूँ, ठीक है, क्रिकेट पसंद करने वाले लोग कितने हैं मेरे, 60% है इसका ऑफ 50 लेख, तो 50 लेख को मैं क्या करूँ, आपको पता है लेग की अगर मैं 0-0 लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सारा ही आंसर लेग में ही आना है, तो फिर अपन इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, तो 60/100 कर सकते हो परसेंट, और 50 लेग में डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है, 0-0 लगाने की से बच रहे हैं हम, ताकि इजीली आंसर आए, 6/5 30 लेग पीपल्स हैं जो पसंद कर रहे हैं इसको, क्रिकेट को, ठीक है, क्रिकेट। अब मैं लिखती हूँ फुटबॉल स्टूडेंट, फुटबॉल यहाँ से स्क्वायर बना देती हूँ, फुटबॉल, फुटबॉल पसंद करने वाले 30% है हमारे, कितना है स्टूडेंट, 30% ऑफ 50 लेग, किसका है, 50 लेग, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ स्टूडेंट, दिखाई नहीं दे रहा, तो 30/100 × 50 लेग कर देती हूँ मैं, ऐसे ही करते हैं, 0 0 0 कितना, 15 लेग, मैं इस आंसर को यहाँ से 15 लेग कितना, 15 लेग पीपल है जो किसको पसंद कर रहे हैं हमारे, फुटबॉल को, है ना, फुटबॉल आंसर सफाई से इधर से लिख देते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट हमारा किसको पसंद कर रहे हैं, अदर्स गेम, क्या है अदर गेम, तो मैं यहाँ कर देती हूँ वहाँ जगह में, अदर गेम्स पसंद करने वाले लोग कितने, 10% ऑफ 50 लेख, यही तो करना है स्टूडेंट, तो 10/100 × 50 लेख 10 से 10 10 से 10 क्या हुआ, 5 लेख, ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं
ये आंसर की है ना हमारा 5 लेख क्या करते हैं अदर गेम पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट आंसर सही है गलत चेक कर लेते हैं, 5 और 15, 20, 20 और 30, 50 लेख पीपल्स हो गया। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरह से आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने इंग्लिश की भी वीडियो डाली हुई है स्टूडेंट, मैं लिंक दे दूँगी। 5th क्लास की भी मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ स्टूडेंट, आपको पसंद आए, आपके कोई बहन भाई पढ़ते हैं तो प्लीज़ उन्हें बताइए।